लोकसभा का चुनाव नजदीक है, जाहिर है कि लोकसभा के चुनाव में प्रभाव पड़ेगा। सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। जैन साथियों, मैं कैप्टन आजाद इलाहाबाद से। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं अध्यक्ष वीर सेनानी पूर्व सैनिक आईसी तिवारी जी। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनके साथ हजारों लोग इनसे जुड़े हुए हैं और ये समाज सेवा के काम करते हैं और सैनिकों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो मैं इनसे आज बात करना चाहता हूँ कि ये होली का त्यौहार आ गया है, तो सर आप ये बताइए कि होली का त्यौहार आ गया है तो क्या आप होली कैसे मनाएंगे? होली का त्यौहार सर पर है, कल और परसों होली पूरे देश में मनाई जाएगी, लेकिन हमारे पूर्व सैनिक पूरे देश के कोने कोने से अपनी पेंशन की बढ़ोतरी की मांग के लिए दिल्ली में डटे हुए हैं। जब तक सरकार उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करती, पूर्व सैनिक होने के नाते वीर सेनानी की होली फीकी रहेगी। यही कारण है हम लोग होली के दौरान में एक बहुत बड़ा मिलन समारोह करते थे, इस बार का मिलन समारोह नहीं किया जाएगा। पूरी पूरी संस्था के दसों हजार आदमी धरने का समर्थन कर रहे हैं। मैं कपिल फौजी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, जिन्होंने सभी पूर्व सैनिकों के लिए एक मिसाल कायम किया है। हमारी होली फीकी रहेगी अगर सरकार हमारी मांगों को होली के दिन मान लेती है, तो हम हर्षोल्लास के साथ सब परिवार होली मनाएंगे। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर अफसरों का पेमेंट कम कर दिया जाए तो आप अपना धरना वापस ले लेंगे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऑफिसर्स, जेसीओज, अदर रैंक्स, ये तीनों एक पेड़ की अलग अलग शाखाएं हैं। हमें ऑफिसर का पैसा कम नहीं कराना है, हमें जिस अनुपात में ऑफिसर्स का पेंशन बढ़ी है उसी अनुपात में जेसीओज और अदर रैंक्स का पेंशन बढ़नी चाहिए। जिस तरीके से गवर्नमेंट डीए डिक्लेयर करती है, डीए सभी का बराबर होता है, उसी प्रकार से हमारी पेंशन की बढ़ोतरी भी ऑफिसर्स, जेसीओ, अदर रैंक सबका एक जैसा होना चाहिए। यही सरकार ने नहीं किया है, यहां पर सरकार ने भेदभाव किया है। सरकार के सलाहकार, कोई भी सलाहकार हो, चाहे अफसर हो चाहे सचिव हो, सभी ने इस चीज को नहीं देखा। किसी ने भी ओआरएस और जेसीओज के किसी भी प्रतिनिधि को सलाहकार कमेटी में नहीं रखा। यही कारण है कि हम लोगों के साथ भेदभाव हुआ है। अच्छा, ये मैं बताना चाहता हूं कि अगर जो एमएसपी पे, मिलिट्री सर्विस पे जो है, तो उसमें आप क्या चाहते हैं कि अफसरों को फायदा है कि आपको फायदा है कि आपको नहीं फायदा है, उस पर थोड़ा विचार डालिए। देखिए, जब कोई जॉब में होता है तो वो वेतन पाता है, वेतन के बाद जब वो पेंशन पाता है तो पेंशन के दौरान सभी को एक जैसा होना नितांत आवश्यक है। उसी प्रकार एमएसपी, ऑफिसर, जेसीओ, अदर रैंक, तीन के तीनों हाईल्टीट्यूड में, रेगिस्तान में, बारिश में, ठंड में, जंगल में, हर जगह बराबर के हिस्सेदार हैं। बल्कि ऑफिसर हर जगह एक अलग फैसिलिटी के दौरान लेकर के बैठता है। जैसे आप देखिए, अफसर के लिए स्पेशल बैंकर होता है, वो सुरक्षित होता है। जवान बंदूक लेकर के, सीना तान के लेकर के
पिकट पर खड़ा होता है। पेट्रोल में जवान और जेसीओ अगवा बनता है। फिर भी अगर एमएसपी में ऑफिसर्स को ज्यादा, जवान और जेसीओ को कम हो किया जा रहा है, बहुत बड़ी नाइंसाफी है। सरकार से हमारी मांग है कि सबसे पहले एमएसपी को बराबर करें। एमएसपी बराबर करने से भी हम लोगों की पेंशन कुछ न कुछ आज जरूर बढ़ जाएगी। ये बताइए कि एमएसपी हो गया, अफसर का पेमेंट हो गया, अब धरना कब खत्म करेंगे? जो चल रहा धरना जंतर मंतर दिल्ली में, तो आपका धरना कब तक चलेगा, कब खत्म करेंगे? बिल्कुल सही क्वेश्चन। संघर्ष कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि चाहे हमें जितना भी मेहनत करना पड़े, हम जब तक सरकार हमारी मांगों को मान नहीं लेती है, जिस तरीके से किसान आंदोलन में बैठे थे उसी तरीके से हमारा धरना जारी रहेगा और जारी रहना चाहिए। आज थोड़े आदमी दिल्ली में हैं, 50 आदमी की, 100 आदमी की अनुमति मिल रही है। अगर सरकार को जू नहीं रेंगता है, सरकार नहीं मानेगी, तो धरना बृहद रूप में दिल्ली में होगा और लोकसभा का चुनाव नजदीक है। जाहिर है कि लोकसभा के चुनाव में प्रभाव पड़ेगा। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हमारे तकरीबन 26 से 28 लाख वोटर हैं, हम सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। हमें ऐसी सरकार चाहिए जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति हो, जिसके अंदर जवानों की इज्जत देखने की शक्ति हो। जवान एक गौरवशाली नागरिक है, उसके गौरव को जो समझती हो। यह सरकार हमारी पेंशन को कम कर रही है, कैसे हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे? क्या भरोसा है कल को हमारी पेंशन भी खत्म कर दे? अतः ये धरना जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांग को मान नहीं लेती है। अब लास्ट क्वेश्चन, जाते जाते मैं ये बताना चाहता हूं कि होली आप कैसे मनाएंगे, होली के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? फिर दोबारा देखिए आजाद जी, होली सब परिवार के साथ प्रयागराज में बहुत ही उत्साह के साथ मनाने का इरादा था, लेकिन हमारे पूर्व सैनिक जब धरना पर हैं तो हम होली नॉर्मल सा गले मिल करके आपस में मनाएंगे। हम जरूर एक संदेश देना चाहते हैं प्रयागवासी को या देशवासियों को कि होली के दौरान में कोई अभद्र व्यवहार किसी से न करें, शराब का बिल्कुल सेवन न करें। अगर शराब का सेवन करते भी हैं तो अपने घर में करें, किसी को एहसास नहीं होना चाहिए कि जवान ने शराब पिया है। दूसरों के ऊपर जो नहीं चाहते हैं रंग को न डालें, कोशिश करें अबीर और गुलाल से रंग खेलें। सारे देशवासियों के लिए मेरा यह संदेश है कि सभी देशवासी सरकार पर दबाव डालें, जिससे पूर्व सैनिकों का धरना उनकी मांगों के पूरा होने पर खत्म किया जा सके। मैं ईश्वर चंद तिवारी, अध्यक्ष वीर सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण समिति प्रयागराज, समाज सेवी प्रयागराज, जय हिंद।